तो यार बनपस नॉट सी को अगर बाय करने की सोच रहे हो ना तो बहुत सही जगह आया हो। यहाँ पे ना हम प्रोज एंड कॉन्स सब पूरी वीडियो बताने वाले हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना और जान जाओगे ये फोन आपके लायक है या नहीं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सीधे इसके प्रोज से। तो यार यहाँ पे देखो स्पेक्स वाली वीडियो हम बनाए हुए हैं, पूरा डिटेल बताए, जाके लिंक आई बटन दे देंगे, जाके देख लेना। चलो यार प्रोस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो प्रोस की बात करें सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। यार यहाँ पे देखो डिजाइन में भी कौन सा है, लेकिन प्रोस की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ देखो वनप्लस के ब्रांड के साथ आता है और पीछे वनप्लस का आपको लोगो मिल जाएगा। और भाई थोड़ा सा इनके जो कलर्स रहते हैं ना बाकी फोनों की तरह अतरंगे नहीं रहते हैं, थोड़े से प्रीमियम दिखते हैं। तो यानी आप जहां भी लेके इसको बैठोगे तो लोग जरूर पूछने वाले हैं कौन सा फोन लियो, वनप्लस का काफी अच्छा लग रहा है। तो यानी ये चीज आपके अच्छी होने वाली है। और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है वनप्लस की तरफ से इस प्राइस में, यानी 20,000 के आसपास जो है। और 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है यहाँ पे, और 90Hz आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट तो काफी अच्छा है यार वनप्लस तरफ से ये भी। और बैक साइड भाई कैमरे की बात करें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, 64+8 यानी 8 जो है अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिल जाएगा और 4K तक की रिकॉर्डिंग आपको करके ये दे देगा। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा। और बाकी के पीछे के जो दो सेंसर है वो थोड़ा कंफ्यूज है अभी भी लोग, वो 2 और +2 आने वाले हैं जहां तक, लेकिन कई जगह ये भी हो रहा है कि 5+2 भी आ सकता है, तो वो तो फोन आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर बता रहा हूं मैं। और यहां पे आपको भाई परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, जो कि उम्मीद है 690 5G प्रोसेसर साथ आने वाला है। अगर आता है तो भाई परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको यहां पे अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि मिनिमम रैम बेस की 6GB रहेगी, यानी भाई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बैटरी में आपको यार 4500 mAh पास मिल जाएगी। और वनप्लस का जो है फेमस 30W का वॉप चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा वर्क करता है काफी पुराना होने के बाद, मतलब कोई कमी उसमें नहीं आती है। चलो यार यहाँ पे कौन सी बात कर लीजिए, और कौन सी अगर बात कर ले यार, तो बैक साइड आपको यहाँ पे ग्लास्टिक यानी प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलने वाली है, यानी प्रीमियमनेस हाथ में नहीं आएगी ये आप जान लो। और भाई AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, ये चीज बड़ा खराब है यार, क्या कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्स भी हैं तो बता रहा हूं मैं। और यहां पे भाई आपको जो सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे लगता है 3.5 जैक इस प्राइस में ना मिले, समझ रहे हो ना, उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब अपने किसी फोन में नहीं दे रहा है, इस फोन में भी नहीं उम्मीद है नहीं मिलने वाला यार जान लो। शुक्र है चार्जर दे रहा है बॉक्स में, एक बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो। और एक और जो है मुझे यहाँ पे कॉन्स सुनने को मिला है कि आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलने वाले हैं। तो यार ये जो चीज है ना आज के टाइम पे भाई हर एक फोन दे रहा है 20,000 के ऊपर, हर एक फोन डुअल स्टूडियो स्पीकर्स तो दे ही रहे हैं। तो यार अगर सिंगल भी देते हैं तो एक अच्छा दें, ठीक है, नहीं तो डुअल अगर देते तो अच्छा ही है, लेकिन जहां तक तो उम्मीद है नहीं मिलने वाला, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। यार यही कुछ चीजें थी जो मेरे तरफ से प्रोस एंड कॉन्स थी जो है मैंने आपको बता दी। और आपको बता दूं यार ये चैनल है ना मेरा ये टेक से रिलेटेड तो है ही, टेक रिव्यूज तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन यहां पे मैं जो है टेक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल का नाम है छोटी प्रॉब्लम्स। तो यार चैनल कर लो सब्सक्राइब, बहुत सारे सॉल्यूशंस मैं बताता रहता हूं जो भी छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं आपके गैजेट्स वगैरह में। चलो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए take care and bye bye.